नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं प्रदीप सर आज एक वही नए टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कि ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका का जो अध्ययन कर रहे थे उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का विषय है बच्चों हिंदी, ये पेज नंबर आपका 56 है, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, दी गई कविता को पढ़कर समझिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ जो कुछ कविता लिखा हुआ है इस कविता को आप पढ़िए अच्छी तरह से, और इसी से आपका क्वेश्चन नीचे में दिया है उसी का आपको आंसर लिखना है। कविता को अपने मन से नाम शीर्षक दीजिए। ये कह रहा है कि ये जो कविता दिया हुआ है तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? तो मेरे ख्याल से होना चाहिए प्यारी मम्मी। इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं आप प्यारी मम्मी, ये लिख सकते हैं। ये मेरा शीर्षक नजर आ रहा है, ये होना चाहिए। आप भी अपने आधार से ये देखिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। दो नंबर में दिया बच्चों, आप देख सकते हैं माँ हमें क्या क्या सिखाती है, लिखिए। तो माँ हमें क्या सिखाती है बच्चों, चलना बोलना खाना उठना आदि सिखाती है और बुरे कामों से दूर भगाती है कि हमें गलत काम नहीं करने चाहिए और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो माँ हमें ऐसे ऐसे चीजों को सिखाती है तो हमें इस तरह के चीजों को सीखना चाहिए। उसके बाद दिया है बच्चों क्या लिखा है देख सकते हैं, यहाँ आप देखते हैं बच्चों क्या दिया है कि अपनी माँ का चित्र बनाइए और उनके बारे में कुछ बातें लिखिए। तो यहाँ चित्र बनाना है तो आप अपनी मम्मी का चित्र बनाइए और उसी के बारे में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कि एक ही शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और उनके दूसरे शब्द लिखिए। जैसे मार्ग को हम रास्ता कहते हैं राह कहते हैं, उसी तरह विपदा को हम संकट कहते हैं दुख कहते हैं, संसार को जगत कहते हैं दुनिया कहते हैं, माँ को माता और मम्मी भी कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये पेज आपका 56 खत्म हो गया। बच्चों आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी वीडियो अभी इसमें अपलोड की गई है तो उस सबका प्लेलिस्ट हम एक एक करके अलग कर दिए हैं। आप हिंदी का प्लेलिस्ट जाकर देखें, गणित का प्लेलिस्ट जाकर देखें, सारी वीडियो का प्लेलिस्ट अलग अलग करके आपके सुविधा के लिए हम लगा दिए हैं। आप वीडियो एक बार जाकर देखें, आपको खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक वीडियो का एक एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि हिंदी कहाँ से मिलेगा, हिंदी को क्लिक कीजिएगा, अंग्रेजी कहाँ मिलेगा, अंग्रेजी को क्लिक कीजिएगा, तो सारी अंग्रेजी का ही वीडियो आपको दिखाई देगा। चलिए आप अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ बच्चों पेज 57 का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए देखिए क्या दिया है। बहुत ही लाजवाब और अच्छा कविता दिया है, दी गई कविता को पढ़कर समझिए तथा इसमें छिपी कहानियों को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो कविता दिया हुआ है इसको पढ़िए और इसी में से कुछ कहानी छिपी हुई है, उस कहानी को आपको समझना है। उस कहानी को समझने के बाद हम इस तरह से एक बच्चे को गाइडलाइन करके वो लिखा है, तो अब लिखिए हम बोल रहे हैं आप सुन के लिखिए। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिया, उसे ढेर होने का आशीर्वाद दिया। पहले भक्तों ने चांदी के बर्तन में चने को रखे हुए थे और कुछ दिन के बाद उसमें तो घुन लग गया और बेकार हो गया, और दूसरे भक्तों ने उसे खेत में लाकर बो दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके पौधे निकल आए, उसे देखकर किसान फूले न समाए। कुछ दिन बाद वह फसल को काटकर अपने घर लाया तो उसे देखकर किसान काफी खुश हो गया और सारा घर चने से भर गया। यहाँ धन्यवाद लिखिए। तो इस तरह से इस कहानी में बताया जा रहा है कि एक साधु ने दो भक्तों को एक ही चीज का उपहार दिया, तो एक भक्त ने सोने के थाली में रखा और एक भक्त ने उस बीज को खेत में बो दिया, तो वो उसका फसल खेती पैदावार किया तो उसका वृद्धि हो गया, दिन दुनी रात चौगुनी हो गया। तो इसी तरह इस कहानी को कहा जा रहा है। ये पेज 57 है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। देखते हैं बच्चों यहाँ दिया हुआ है आपका कि नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए। यहाँ जो एक कहानी दिया हुआ है इस कहानी को आप अपने से पढ़िए, हम पढ़ेंगे तो काफी समय लग जाएगा इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे इसको पढ़िए बारी बारी समझे से और देखिए किसने क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, इसको जो पढ़े तो उसके बाद यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
उक्त कहानी में से जो शब्द आपके लिए नए हो को छांटकर मुख्य शब्दावली में लिखिए। तो इसमें जो पढ़े आपको जो नया नया शब्द देखने को मिला उसी को यहाँ लिखना है। तो इस तरह से लिखा बच्चों ने, बाघ, देखभाल, सुनहरे, विचित्र, धड़म। तो इस तरह चीज को अब देखेंगे, पढ़ेंगे कि आपको नया नया शब्द क्या चुनने में आया, क्या देखने में आया, तो उसी तरह से आप लिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लकड़हारे के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो लकड़हारे क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं। दिन भर जंगल में जाकर लकड़ी काट कर बाजार में बेचता है और उससे पैसे कमाकर अपना जीवन चलाना करता है, अपना जीवन चलाता है, उसी के बारे में बताया है। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, तो इस तरह से आप लिखेंगे कि कमाकर अपना जीवन चलाता था, तो जीवन चालान करता है, ये गलत लिखा बच्चों ने, अपना जीवन चलाया, यहाँ लिखेंगे चलाया करता था, ऐसा लिखिए, अपना जीवन चलाया करता था, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरह बच्चा लिखा, गलती लिखा, करता था लिखे। अब उसके बाद दिया है बच्चों, अब देख सकते हैं मुख्य शब्दावली में से कोई भी एक शब्द लेकर उसके बारे में अपना विचार लिखिए। तो मुख्य शब्द क्या होगा, चिंतित। चिंतित का मतलब ये होता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। तो कहते हैं अपने विचार, जब हम सही समय पर अपना काम नहीं करते हैं तो बाद में हमें उससे इतना चिंता हो जाता है कि रोने को सिवाय कुछ नहीं रहता। तो इसलिए जब आप समय पर कोई काम नहीं करते हैं तो आपको रोने जैसा वो महसूस होने लगता है। ये पेज आपका 58 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप लिखने का प्रयास कीजिए, काफी सुंदर ढंग से दिखाई दे रहा है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पर काफी सारी वीडियो पड़ी है, आप जाके अपना वीडियो को खोलें और अपना वर्कबुक को तैयार कीजिए। और जीके जीएस की भी इसमें पढ़ाई की जा रही है, तो आप जीके जीएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई की जा रही है, तो वहां से भी जाके प्ले लिस्ट में अपना क्वेश्चन को देखें और अपना इम्प्रूव करें। इंग्लिश कैसे बोलें, किस तरह बोलें, ट्रांसलेशन किस तरह बनाएं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए और कमेंट यथाशीघ्र करना ना भूलें, कमेंट यथाशीघ्र कीजिए। देखते हैं बच्चों यहाँ पर कहानी दिया है कि नीचे दी गई खबर को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 घंटे मृत माँ से लिपटा रहा, दूसरी माँ ने गले लगाया तो सुबह पड़ा। तो इस तरह जो कहानी दी हुई है इसको कहानी को पढ़िए और कहानी को पढ़ते हुए यहाँ जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर दीजिए। यह खबर किस जानवर के बारे में है, तो आंसर लिखिए लंगूर के बारे में है। 2 नंबर में है कि खबर में किसके मरने की बात कही गई है, तो माँ की बात कही गई है, ये लिखेंगे। लंगूर के बच्चे की मदद किसने किया, तो लोगों ने इसकी मदद की, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 4 नंबर है, लोगों ने लंगूर के बच्चे को क्या क्या खाने को दिया, तो फल दिया था खाने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे ने लोगों को जो दी गई चीजें वो क्या नहीं खाई, बच्चे ने लोगों को दी गई चीज को क्यों नहीं खाई, क्योंकि बाद में माँ की दूध पीती थी, क्योंकि वो जो थे जानवर जो थे वो क्या करते थे, माँ की दूध पिया करते थे। यह घटना किस स्थान पर घटित हुआ था तथा कब घटित हुआ था, तो ये जयपुर में रविवार को 4-5 बजे घटित हुआ था, यही लिखना है। 7 नंबर में इस घटना को पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने विचार लिखिए। क्या लिखेंगे, सड़क आता जात की लापरवाही के कारण इस लंगूर की जान चली गई है, ये बच्चे ने लिखा, आप अपनी ओर से बनाकर अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो सड़क पर आना जाना हम उस तरह नहीं करेंगे, जिस तरह किसी जान को लापरवाही करते हैं रोड पर तो हमें नुकसान हो जाता है। ये पेज आपका 59 बच्चों खत्म हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करते चलिए। यहाँ पर जहाँ बच्चे देखते हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर अपने प्रश्न को उत्तर दें। इस गद्यांश को आप पढ़िए, पढ़ने के बाद यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसी को चयन कीजिए। तो दिया गद्यांश के शीर्षक हेतु उचित विकल्प कर्माक्षर को चुनकर दिए गए कोष्ठक में लिखिए। तो आंसर क्या होगा, ख नंबर, प्लास्टिक से नुकसान क्या होता है उसी के बारे में ये बताया गया है। 2 नंबर में प्लास्टिक की थैलियां सीवर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आंसर ये सीवर लाइन को बंद कर देती है, यही लिखेंगे, कौन नंबर में होगा। और उसके बाद 3 नंबर में दिया बच्चों, आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की थैलियां पशुओं के लिए क्यों हानिकारक है, तो प्लास्टिक की थैलियां जानवर नहीं चबा पाते हैं और वो पचा भी नहीं पाते हैं, ये लिखना है। प्लास्टिक की थैलियां जानवर पचा नहीं पाते हैं और जान चली जाती है, जानवर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लास्टिक की थैलियां जानवर पचा नहीं पाते हैं और जान चली जाती है, इस तरह लिखेंगे, जाति में ऐसे लिखे, बच्चा लिखा है गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप।
ये लिखिएगा, प्लास्टिक की थैलियां स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो इस थैलियों से विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पैदा करते हैं, और वो हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसे आप अच्छी तरह से बनाकर लिखें। और यहाँ दिया है, प्लास्टिक के थैलियों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें अपनी ओर से कोई 3 सुझाव दीजिए। क्या सुझाव देंगे हम? तो इस थैलियों का उपयोग नहीं करनी चाहिए, और हमेशा जूट वाली, यहाँ लिखेंगे जूट थैलियों का उपयोग करनी चाहिए। ये इस तरह लिखा गया है। और उसके बाद बच्चों क्या दिया है देख सकते हैं, दी गई कविता को पढ़िए। यहाँ जो कविता दिया है इसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद क्या दिया है, कविता को अपने मन से कोई शीर्षक दीजिए। तो ऐसे सूरज आता है, इसका नाम लिखिए, सूरज उगने पर संसार में क्या क्या कार्य होते हैं, सारे पशु पक्षी अपने कार्य में लग जाते हैं। ये लिख देंगे, लग जाते हैं। ये आपका इस तरह कहानी खत्म हो जाता है। पेज आपका 60 बच्चों कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, 61 का हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक आपने इस तरह से अपना वर्कबुक पूरा कर लिए होंगे, और आपसे मेरा अनुरोध है कि प्लेलिस्ट जाके सारे वीडियो को यथाशीघ्र देखें, जितनी बार चाहें उतनी बार देखें और अपना अध्ययन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।